हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल द एक्सप्लोरर में। उम्मीद करूंगा मेरे साथ दोस्त अच्छे होंगे। और सीरीज रिसर्च वाली सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे अपनी जो RKE है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की आती है, इसमें क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, लॉक अनलॉक आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इसमें जो आप मिस कर जाते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये अपनी की है, थोड़ा फोकस बनाने देते हैं की पे, ठीक है जी। और ये अपनी गाड़ी के साथ दो प्रोवाइड होती हैं, सबको दो हुई होंगी जिन्होंने स्कॉर्पियो ली है। एक में मतलब ये लॉकिंग अनलॉकिंग वाला मिलता है और एक सिंपल आती है। तो सबसे पहले तो इसको अनलॉक करना है सिस्टम, जैसे इस बटन को दबाएंगे तो अपना ब्लेड जो है, मैं क्लिक कवर उतार लेता हूँ इसकी, फिर बात करता हूँ। कवर हटने के बाद अपनी की कुछ इस तरह से दिखती है, और जैसे अपना ब्लेड को ओपन करने के लिए जो बटन है इसको दबाएंगे तो ब्लेड ओपन हो जाता है, इस तरह से है जी, बहुत ही सिंपल है। अपनी इस की मैं शॉर्ट फॉर्म भी बता देता हूँ आपको, इसको टेक्निकल लैंग्वेज RKE बोलते हैं, रिमोट कीलेस एंट्री। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर अपनी गाड़ी सब ठीक ठाक से सारे डोर बंद हैं और हम लॉक बटन प्रेस करते हैं, थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, तो जैसे लॉक करते हैं तो एक बार फ्लैश होगा। तो ये देखिए आप, एक बार प्रेस करेंगे तो एक बार फ्लैश करेंगे अपने हज़ार लैंप, ये देखिए, इसका मतलब सब कुछ ठीक से लॉक है। और अगर एक भी डोर ओपन है तो फिर कैसे फ्लैश करता है मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी जैसे मैं एक डोर ओपन छोड़ के आया हूँ, तो अभी कितनी बार फ्लैश करता है वो भी देखना आप। जैसे लॉक किया हमने, ये 5 times फ्लैश करेगा। तो दोस्तों, हमने ये कभी नोटिस नहीं किया होगा, अगर एक डोर ओपन है तो अपने हज़ार लैंप कितनी बार फ्लैश करते हैं। जैसे अभी लॉक करेंगे, एक डोर ओपन है तो ये 5 times फ्लैश करती है, ये देखिए। इसमें दोस्तों अगर बोनट भी ओपन है तो भी 5 बार फ्लैश करेगी, तो इससे हमें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गाड़ी में ओपन है। और अभी जैसे आप वो लॉकिंग साउंड जो होता है वो नहीं सुन पा रहे हैं ना, उसका भी एक फंक्शन है, उसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे उसको ऑन कर सकते हैं कैसे ऑफ़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम अनलॉक करते हैं तो अपनी जो मैजिक लाइट है या आईब्रो लाइट बोलते हैं, वो 2 बार फ्लैश होंगी, ये देखिए, ठीक है। और इस दौरान अगर कोई भी थेफ्ट का अटैम्प्ट हुआ है तो फिर अलार्म के साथ 4 बार हज़ार लैंप्स फ्लैश करेंगे। वो अभी कोई थेफ्ट हुआ नहीं है तो वो मैं दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, मान लो हमने गाड़ी कर दी है अनलॉक, ठीक है, और हम 30 सेकंड तक कोई भी डोर ओपन नहीं करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, तो आप देखना भी। आप सेकंड्स भी, ये देखिए अभी गाड़ी दोबारा से लॉक हो गई है ऑटोमेटिकली। चलिए दोस्तों, अपनी की के सेंटर वाले फंक्शन पे बात करते हैं। इसको बोलते हैं सर्च और पैनिक बटन, ठीक है। जब इसको, ये एक्चुअली काम क्या आता है, कोई भी आपकी गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा है तो इसको दबा के, यानी कि कोई भी इंट्रूडर या ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है तो उसको आप ये बटन दबा के दूर भगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जैसे कि गाड़ी कोई मॉल में खड़ी है या गाड़ी ढूंढने के लिए आपको मतलब मशक्कत करनी पड़ रही है, आइडिया नहीं लगा पा रहे कि कहाँ पार्क कर दिए, तो ये पैनिक बटन या सर्च बटन आपके काम आता है। तो इसको अगर एक बार दबाते हैं तो ये 30 सेकंड्स के लिए अलार्म को ऑन कर देगा। तो दोस्तों देखिए, अगर इस बटन को दबाते हैं तो अलार्म के साथ 30 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा, ये देखिए। तो 30 सेकंड तो ज़्यादा लग जाएंगे, तो इसको मैं इसी से ऑफ़ भी कर सकता हूँ, ये देखिए, यही पता है, प्रेस करते हैं तो ऑफ भी हो गया है। और हम इसको ऑन करके अनलॉक से भी अनलॉक प्रेस करके भी इसको बंद कर सकते हैं, ये देखिए, और डोर भी अपने अनलॉक हो गए हैं। तो इस तरह से ये सर्च और पैनिक बटन आप यूज़ में ला सकते हैं। और जो ये सर्च और पैनिक वाला बटन है, ये आप गाड़ी लॉक हो या अनलॉक दोनों कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे अभी ये अलार्म भी साथ में चल रहा था, अगर उसको आपको ऑफ करना, म्यूट करना है, सर्च पैनिक बटन और लॉक बटन को एक साथ दबाएं 3 सेकंड्स के लिए, ये देखिए। अब अगर मैं सर्च बटन दबाता हूँ तो ये अलार्म म्यूट हो गया है, बजेगा नहीं, ये देखिए, सिर्फ हज़ार लैंप ही फ्लैश करेंगे। तो इस तरह से आप इसको म्यूट भी कर सकते हैं और सिर्फ सर्च के लिए ही काम आएंगे फिर ये, किसी इंट्रूडर को भगाने काम नहीं आएंगे, क्योंकि आवाज़ नहीं करेगा तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो ये फंक्शन अपनी स्कॉर्पियो में की में ही आते हैं। अभी
पहले म्यूट कर रखा था, अभी अनम्यूट कर देते हैं इसको एक बार फिर से, इसको म्यूट करते हैं। चलिए पहले ये देखिए, अब ये म्यूट हो गई है, ये सिर्फ फ्लैश करेगी। ओके, और इस सिचुएशन में अगर एक दरवाज़ा आपका ओपन है और लॉक दबाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं होगी। ये देखिए कोई आवाज़ नहीं हो रही, अभी सिर्फ फ्लैश 5 बार फ्लैश किया इसने। और चलिए अभी हम इसको अनम्यूट करते हैं, ये अनम्यूट हो गई है। और इस टाइम पे अगर आपकी गाड़ी का एक डोर ओपन है और आप उसको करते हैं लॉक, तो गाड़ी अलार्म के साथ अभी देखना, ये देखिए इस तरह से आपको आवाज़ भी करेगी। तो हमेशा इसको ऑन, मतलब इसको अनम्यूट रखने में ही फ़ायदा है ताकि आपको पता लग जाए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आई होगी जो चीज़ें मैंने बताई हैं। मैंने फुल जोर कोशिश की है मेरी साइड से, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जाके स्पेशली आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।